Hello friends, in this video we are talking about issue management and intermediaries. We are covering second unit of IFS. So what is issues management? Issues basically are nothing but the sources of funds jo companies karti hai, like issue of stocks or shares through IPOs, that is initial public offer, FPOs, that is further public offer, then debentures, bonds issues, preference shares issues, right? इन सारे issues को manage करने के लिए कुछ organizations, कुछ नाम आगे आते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं intermediaries. Now इन्हें intermediaries बोला जाता है और इन्हें agents भी बोला जाता है, right? Let's see. The management of issues for raising funds, right? Management of issue क्यों करते हैं हम लोग? Funds raise करने के लिए. Through various types of instruments, अलग अलग type के instruments हम लोग use करते हैं, right? और वो companies को, right? क्या कहते हैं हम लोग? Issue management. बहुत सारे types of instruments हैं जिनके वजह से हम लोग ये काम करते हैं और उसको handle करने के लिए हम लोग क्या नाम देते हैं? Issue management. जो भी issues करेंगे, fund collect करने के लिए, sources को gather करने के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंटरमीडियरी को एक और नाम देते हैं इशू मैनेजमेंट. क्यों इशू मैनेजमेंट? क्योंकि वो सारे काम करते हैं, फ्रॉम एडवर्टाइजिंग टिल कलेक्टिंग ऑफ द फंड एंड इशूइंग द इंस्ट्रूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स. इशू मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज मैनेजिंग द इशू ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज. क्या करती है वो? मैनेजिंग द इशूज ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटी, लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर होल्डर. तो वो कॉरपोरेट के सिक्योरिटीज़ को मैनेज करती है. कॉरपोरेट के सिक्योरिटीज़ क्या क्या है? इक्विटी शेयर सिक्योरिटीज़ है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, राइट? इन सारे इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए हम लोग एक टीम बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट करते हैं फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम और उनको हम कहते हैं इशू मैनेजमेंट. ना वो इंटरमीडियरीज में सबसे पहला नाम आता है मर्चेंट बैंकर या फिर लीड मैनेजर. ये मर्चेंट बैंकर कौन है? हमको हमारे इश्यूज है वो सेबी से, परमिशन से लेके, रजिस्ट्रेशन से लेके, पैसा कलेक्ट करने तक और वो इश्यूज सिक्योरिटीज को डिसबर्स यानी लोगों तक पहुंचाने तक का काम करती है. मर्चेंट बैंकर्स प्रोवाइड एडवाइस टू एंटरप्रेन्योर्स राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ कंसेप्शन. एंटरप्रेन्योर्स यानी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को वो इंफॉर्मेशन देती है, गाइडेंस देती है, हेल्प करती है राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ कंसेप्शन. मतलब ये कंसेप्ट लाने से, ठीक है, शुरू होती है आइडिया जनरेशन की पैसा कहाँ से आएगा. तो मर्चेंट बैंकर उन्हें मदद करती है, गाइडेंस देती है आइडिया जनरेट करने में कि हमें कौन से फंड्स लाने हैं, बोरोड फंड्स लाने हैं या ओन्ड फंड्स लाने हैं. ओन्ड फंड्स यानी शेयर्स, राइट, स्टॉक्स. बोरोड फंड यानी लोन लेना मार्केट से. तो ये हमें गाइडेंस देती है कि हमें कहाँ से पैसा लाना है, राइट. सो राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ कंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, इश्यू मैनेजमेंट को उन्होंने अभी प्रोजेक्ट का नाम दिया है, टिल द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन, राइट. प्रोडक्शन मतलब वो पैसा आएगा और वो इश्यूज लोगों तक पहुँचेगा, राइट. सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शन कि क्या चीज़ है और क्यों आया है. प्रोजेक्ट इज नथिंग बट द प्रोसेस, राइट, और प्रोडक्शन इज नथिंग बट जो पैसा हमारे पास आएगा बैंक में, कंपनी के बैंक अकाउंट में, और उनके अगेंस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा सामने वाले पार्टी को. नाउ दैट पार्टी कैन बी योर शेयर होल्डर, पार्टनर, और दैट पार्टी कैन बी अ बैंकिंग इंस्टीट्यूट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. देन मर्चेंट बैंकर आर इंचार्ज ऑफ द इशू प्रोसेस. ये कौन है? ये इंचार्ज है इशू प्रोसेस के. क्यों इंचार्ज बोला गया है इनको? क्योंकि सारा काम जो है ये लोग अपने हाथ में लेते हैं, राइट. स्टार्टिंग से लेके इन्हें सारे राइट्स दिए जाते हैं, इनके सारे ड्यूटीज क्लियर किए जाते हैं कि आपको कौन से काम करने हैं, कौन से ड्यूटीज फुलफिल करने हैं और ऑर्गेनाइजेशन को आपको कौन सा सर्विस देना है, राइट. दे एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर. तो ये क्या करते हैं? एक इंटरमीडियरी, एक एजेंट, एक चैनल के तौर पे ये काम करते हैं बिटवीन द कंपनी जिन्हें पैसा चाहिए, जिन्हें फंड्स कलेक्ट करने हैं थ्रू देयर सोर्सेस, राइट. नाउ इन्वेस्टर कहा गया है यहाँ पे? शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं. अगर शेयर होल्डर्स है तो इन्वेस्टर है. अगर कोई
सर्टन नंबर ऑफ पार्टीज है, लोग हैं जो बल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट, क्लस्टर में नहीं करना चाहते। क्लस्टर यानी 100-100 के, 200-200 शेयर्स खरीदने वाले, 500 शेयर खरीदने वाले, ऐसे लाखों शेयर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, राइट, उन्हें हम लोग इन्वेस्टर बोलेंगे। एक और तरीका होता है जो 10 लोग 5 लोग मिलकर उस पर्टिकुलर अमाउंट को आपको कलेक्ट करके देते हैं, और वो हमारे एकदम वोटिंग राइट्स भी उनको ज़्यादा दिया जाता है, राइट, तो उन्हें भी इन्वेस्टर बोला जाता है। और एक पार्टी होती है जिनसे हम पैसे बोरो करते हैं, हमने पहले भी बात किया था, दैट इज़ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो लोग हमारे कंपनी में हमें पैसा देते हैं अगेंस्ट सम क्या बोलते हैं उसको, होल्डिंग्स एक्चुअली, राइट, तो वो हमारी कंपनी को कुछ गिरवी रखना पड़ेगा बैंक के पास, राइट, मॉर्गेज बेसिकली, और वो मॉर्गेज के अगेंस्ट हमें पैसा मिलेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा कंपनी के लिए इन्वेस्टर ही हो, या हमारे लिए कोई फंड देने वाला भी होना चाहिए, राइट। सो मर्चेंट बैंकर आर इन चार्ज ऑफ द इश्यू प्रोसेस, दे एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द प्रॉस्पेक्टस एंड मार्केटिंग द इश्यूज। मर्चेंट बैंकर हर एक काम करता है, और हर एक काम में सबसे बेसिक काम होता है प्रॉस्पेक्टस। वॉट इज प्रॉस्पेक्टस? प्रॉस्पेक्टस इज नथिंग बट सेम लाइक आर कॉलेज प्रॉस्पेक्टस, जहाँ पे हमारे सारे डिटेल दिए जाते हैं। डिटेल्स यानी कॉलेज का नाम, कहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ, इनके एक्चुअल ओनर कौन है, राइट, शेयर होल्डिंग कितना है कंपनी का, और शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, अंडर राइटर कौन है, राइट, और फिर हमारे कुछ लोन्स है, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, हम लोग क्यों फंड कलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग ये फंड कलेक्ट करने के बाद कहाँ पे हम लोग उसको एक्सपांड करेंगे या डाइवर्सिफाई करेंगे, हमारे पिछले 2-3 साल का बैलेंस शीट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट होगा, राइट, और उसके बाद ये मार्केटिंग द इश्यूज भी लिखा है यहाँ पे, मार्केटिंग भी करेंगे ये, राइट, तो मार्केटिंग में क्या आएगा, एडवर्टाइजिंग आएगा, पेपर में एडवर्टाइज करेंगे, डिजिटली एडवर्टाइज करेंगे, न्यूज़ चैनल में एडवर्टाइज करेंगे, जितने भी सोर्सेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट है उन सारे जगहों पे ये एडवर्टाइज करेंगे, राइट। तो मर्चेंट बैंकर हमें क्या काम करता है, राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आइडिया जनरेशन टिल कलेक्टिंग द मनी, ये एक मर्चेंट बैंकर का काम है। और मर्चेंट बैंकर इज ऑलवेज थर्ड पार्टी, राइट, और वो मर्चेंट बैंकर का जो मैनेजर है उन्हें हम लीड मैनेजर्स भी बोलते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इश्यू मैनेजमेंट को लीड करेगा। लेट्स सी, एज पर सेबी रूल्स अ मर्चेंट बैंकर रेफर्स टू एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इश्यू मैनेजमेंट, एदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट रिगार्डिंग बाइंग सेलिंग और सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज, और एक्टिंग एज मैनेजर कंसल्टेंट और रेंडरिंग कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज इन रिलेशन टू सच इशू मैनेजमेंट। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है, राइट, नंबर वन, एनी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्संस जो एंगेज होते हैं इस बिजनेस में। क्यों एंगेज होते हैं? सबसे पहले तो वो अरेंजमेंट करते हैं। किस चीज़ का अरेंजमेंट? बाइंग। कंपनी को कभी कभी कहीं इन्वेस्ट करना है तो वो भी आइडिया जनरेट करने का काम किसका है? मर्चेंट बैंकर का। अगर मुझे जॉइंट वेंचर करके साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है, और कोई एक्स ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स इशू कर रहा है, राइट, या बॉन्ड्स इशू कर रहा है, तो मर्चेंट बैंकर विल गाइड अस टू बाय सच शेयर्स और बॉन्ड्स। सो बाइंग, सेलिंग, सेलिंग ऑफ योर शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, राइट, और सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज, किसी और कंपनी के सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करना, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करना, राइट। तो एनी पर्सन एंगेज्ड इन अरेंजमेंट, ये सारे कीवर्ड्स अभी तक देखे, इसके आगे है बाइंग, सेलिंग और सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज, एंड एक्टिंग एज मैनेजर कंसल्टेंट, या तो वो मैनेजर के साथ जैसा एक्ट करेगा या फिर वो कंसल्टेंट जैसा एक्ट करेगा। नाउ इट इज़ अप टू दी ऑर्गेनाइजेशन कि उनके कंसल्टेशंस को कितना ध्यान रखना है और कितना अप्रूव करना है, कितना नहीं करना है। अगर समझो मैंने हमारे कोई एक्स वाई जेड कंपनी के लिए मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया, तो मर्चेंट बैंकर क्या करेगा? हमें कंसल्टेशन देगा, आइडियाज़ देगा कि सर इन सारे चैनल्स के थ्रू हम लोग
पैसा लेकर आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मर्चेंट बैंकर ने जो बोला 100% वही करना है। इट इज़ अप टू द ऑर्गेनाइजेशन कि उनको क्या करना है, उन्हें ये प्रपोजल या एडवाइजरी एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। 90% बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंट बैंकर्स के इस एडवाइजरी को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज मर्चेंट बैंकर पूरे रिसर्च के साथ, मार्केट के स्टडी के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, डेटाबेस के साथ वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उनके पास पूरे मार्केट का रिसर्च होता है, मार्केट में क्या कंडीशन चालू है, और इस हिसाब से वो हमें एडवाइजरी देते हैं, कंसल्ट करते हैं कि सर ये पोजीशन है मार्केट का, और अगर आप इस तरीके से काम करोगे या इस चैनल के थ्रू अगर हम लोग इश्यूज मैनेज करेंगे तो हमें फंड आने के बहुत सारे चांसेस हैं, राइट। इन रिलेशन टू सच इश्यूज और इश्यूज मैनेजमेंट, तो ये जो कुछ भी काम हो रहा है हमारे जो इश्यू मैनेजमेंट है उसके लिए काम हो रहा है। लेट अस अगेन सी, एज पर सेबी रूल, अ मर्चेंट बैंकर रेफर्स टू एनी पर्सन हु इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट, एदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट रिगार्डिंग बाइंग सेलिंग और सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज और एक्टिंग एज मैनेजर कंसल्टेंट और रेंडरिंग कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज इन रिलेशन टू सच इशू मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन एज पर सेबी रूल है, तो ये हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मर्चेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर हमें कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? नंबर वन, प्रोजेक्ट काउंसलिंग, मार्केट सर्वे एंड फोरकास्टिंग, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर सर्टन प्रोजेक्ट और वर्क्स, रेजिंग फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट, रेजिंग ऑफ फंड्स थ्रू न्यू इंस्ट्रूमेंट, बॉट आउट डील्स, मर्जर्स एंड अमालगमेशंस, लोन सिंडिकेशन, टेक्नोलॉजी टाइप्स, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, वेंचर कैपिटल, लीज फाइनेंस, फिक्स डिपॉजिट मैनेजमेंट, फैक्टरिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक्योरिटीज। मर्चेंट बैंकर सिर्फ एक इंटरमीडियरी एजेंट या मिडिल मैन की तरह नहीं बात करता या वो काम नहीं करता। उसका काम सिर्फ इश्यूज को मार्केट में पहुंचाना और इन्वेस्टमेंट लेकर आना नहीं है, उनके और भी बहुत सारे काम हैं। उनके और भी बहुत सारे काम कौन कौन से हैं? प्रोजेक्ट काउंसलिंग करना और मार्केट सर्वे करना, फोरकास्ट करना, ये सारे काम वो करता है। और ये सारे काम करते करते हमें इस मर्चेंट बैंकर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इनके कुछ कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरीज क्या क्या है देखते हैं हम लोग। नंबर वन कैटेगरी इज कैन कैरी ऑन ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ इश्यूज, हर इश्यूज के कैटेगरी को वो फॉलो करता है, राइट। जो भी इशू मैनेजमेंट के एक्टिविटीज है वो सारे एक्टिविटीज को ये पूरा करते हैं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे, रेजिंग फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट, रेजिंग फंड्स थ्रू न्यू इंस्ट्रूमेंट, अरेंजिंग ब्रॉट आउट डील्स, जो भी हमने पिछले स्लाइड में पॉइंट्स पढ़े वो सारे काम करने का कैटेगरी इसमें आता है, राइट। और हमारे लिए मेन इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? बड़े बड़े डील्स हम क्यों करते हैं? मर्जर्स एंड अमालगमेशन के लिए, वेंचर कैपिटल के लिए। बाकी सारे चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारे काम भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाईलाइटिंग वर्क हमारे लिए क्या होता है? जो कंपनी का फेथ चेंज करती है, कंपनी का जो सोर्स ऑफ इनकम है, प्रॉफिट्स है, वो बदलने के चांसेस कहाँ पे? या तो किसी कंपनी के साथ मर्ज हो या कंपनी को अमालगमेट करे, किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में काम करे। सेकेंड कैटेगरी, टू एक्ट एज एडवाइजर कंसल्टेंट को मैनेजर अंडर राइटर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर। यहाँ पे वो सिर्फ एडवाइजरी देंगे, कंसल्ट करेंगे, किसी प्रोजेक्ट में को मैनेजर बनेंगे, राइट। पहले कैटेगरी में पूरा काम वो करते थे इसलिए उन्हें मैनेजर कहा जाता था, यहाँ पे वो थोड़ा ही काम करेंगे, आधा ही काम करेंगे, इसलिए उन्हें को मैनेजर बोला है। और वो आधा काम किस चीज़ का है? थियरी वर्क्स का, एडवाइजरी देना, कंसल्टेशन देना, राइट।
अंडरराइटिंग का काम करना, पोर्टफोलियो मैनेज करना। अंडरराइटिंग मतलब क्या होता है, वो गारंटी देते हैं कि अगर आप शेयर्स इशू करते हो तो एज पर द मार्केट डिमांड, एज पर द मार्केट कंडीशन, आपको इतने परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट आने का चांस है, राइट? और वो जो भी बोलते हैं, अगर उतना फुलफिल हुआ वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो अंडर राइटर खुद वो परचेस करते हैं या फिर उसको सेल करने का काम करते हैं एंड पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं। अगर किसी कंपनी को इन्वेस्ट करना है मार्केट में, उनको उनके फंडिंग्स को डाइवर्सिफाई करना है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो वो पोर्टफोलियो बना कर देते हैं कि आप इन सारे जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए, आपको रिटर्न्स अच्छा आएगा। कैटेगरी नंबर 3, टू एक्ट एज अंडर राइटर एडवाइजर कंसल्टेंट टू एन इशू। यहाँ पे सिर्फ तीन काम करते हैं, एक तो अंडर राइटर बनेंगे, एडवाइजरी देंगे और कंसल्टेंट बनेंगे। देखिए जैसे जैसे कैटेगरी बदलते जा रही है वैसे वैसे बर्डन और या फिर काम जो बोलते हैं हम लोग वो कम होते जा रहा है। कैटेगरी नंबर 4, टू एक्ट ओनली एज एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू। तो कैटेगरी नंबर 1 में हम सब काम करते हैं जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है। कैटेगरी 2 में एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, को मैनेजरिंग, अंडर राइटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फिर थर्ड कैटेगरी में को मैनेजर और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हट जाता है, सिर्फ अंडर राइटर एडवाइजर एंड कंसल्टेंट रह जाता है। एंड सबसे लास्ट कैटेगरी में एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू, बस इतना ही काम होता है। लेट अस सी अंडर राइटर इन बिट डिटेल। अंडर राइटर इज अ मेंबर ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है। दे वर्क फॉर मॉर्गेज इंश्योरेंस लोन इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ये मॉर्गेज के लिए काम करते हैं, इंश्योरेंस लोन के लिए काम करते हैं और इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए काम करते हैं। नाउ ये तीन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी को हम लोग लोन देते हैं और कहीं ना कहीं से हम लोग फंडिंग लेकर आते हैं। नाउ व्हाट दे डू, दे असेस, इवैल्यूएट एंड एज्यूम द रिस्क ऑफ अनदर पार्टी फॉर अ फी। उन्हें एक फी देना पड़ता है उनके काम के लिए और वो क्या करते हैं, असेस करते हैं, असेसमेंट बोलते हैं उनको सिंपली, इवैल्यूएट करते हैं और एज्यूम करते हैं कि सामने वाले पार्टी का जो भी रिस्क है वो कितना होगा। ऑफन यू विल सी दिस फी इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, प्रीमियम, स्प्रेड और इंटरेस्ट। एट एनी रेट इफ यू आर वर्किंग विद एन अंडर राइटर यू आर मोस्ट लाइकली सीकिंग अप्रूवल फॉर अ लार्ज परचेज और इंश्योरेंस कवरेज। हम लोग ने अगर लोन लेने की बात की तो हमें किसी भी बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, 1,700, डिपेंड्स ऑन बैंक्स टू बैंक्स। अब ये चार्जेस किस चीज़ का होता है, ये चार्जेस होता है अंडर राइटर का। अंडर राइटर ये भी काम करते हैं कि जो अकाउंट होल्डर या फिर जो एप्लीकेंट लोन लेना चाहते हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, वो उनका सिबिल स्कोर चेक करते हैं, उनका बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं, मॉर्गेज में जो प्रोडक्ट या फिर कुछ एसेट रखा है तो उसका वैल्यूएशन चेक करते हैं, कितने साल का लोन है और उतने साल में ये वैल्यू बढ़ेगा कम होगा एज पर करंट मार्केट कंडीशन। सेकेंडली, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कलेक्ट करना है तो आपको कौन से सोर्सेस से जाना पड़ेगा और वो सोर्सेस ठीक है कितना हमें अमाउंट ला कर देगा, ये भी काम करते हैं। ईच इंडस्ट्री हैज़ देयर ओन अंडर राइटर and these individuals must understand the intricacies of their specific field. They use their knowledge and expertise to best assess the risk of an applicant. Underwriters determine if giving a loan or issuing an insurance policy will work in favor of their company. However, if the contract turns out to be too risky, the underwriter is accountable for the loss. So, underwriting ka kaam is very much important. Agar aap koi yahan pe humne insurance ka एग्जाम्पल लिया है, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी लोन इशू करते हो, तो वो लोन हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी सामने वाले पार्टीज ने, कस्टमर ने, एप्लीकेंट ने डॉक्यूमेंट्स दिए उस हिसाब से वो अंडरराइटर उन्हें एक्सेस करेगा, राइट? और वो इवेल्युएट करेगा, उसके बाद ही वो अप्रूव करेगा कि ये लोन हम आगे बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते। सेम हैपेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन में अंडरराइटर काम करते हैं तो वो हमारे इश्यूज को मैनेज करने के लिए काम करते हैं, मार्केट कंडीशंस हमें बताते हैं कि मार्केट में क्या कंडीशन है और उस हिसाब से वो हमें आइडियाज देते हैं कि IPO निकालना है, FPO निकालना है, डिबेंचर्स इशू करने हैं, बॉन्ड्स इशू करने हैं, राइट? या फिर सीधे सीधे लोन लेना है बैंक से।
What does an underwriter do? Using the knowledge they have in their field, underwriter decides if a contract is worth the risk. जो भी हम रिस्क ले रहे हैं वो वर्थ है कि नहीं है, जो भी हम लोग इश्यूज बाहर से मार्केट से ले रहे हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन को इशू दे रही है, जैसे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज को लोन्स देती है, राइट? इन सारे रिस्क को एसेस करना, इवेल्युएट करने का काम करती है। अंडरराइटर्स वो वर्क विद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इवेल्युएट द हेल्थ रिस्क ऑफ एप्लीकेंट्स। अंडरराइटर्स क्या करते हैं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस में कोई का पॉलिसी लेना चाहता है तो एप्लीकेंट का जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डिटेल है, वो इवेल्युएट करते हैं कि कितना रिस्क है। समझो मैंने 1 करोड़ का पॉलिसी लिया, राइट, और मुझे वो पे करना है आने वाले 40 साल में। सालाना मेरा EMI आता है 60,000, राइट? तो ये जो 60,000 है जो मैं अप्लाई करूँगा मेरे हेल्थ कंडीशंस के ऊपर, मेरे एज के ऊपर, मेरे जो भी हैबिट्स हैं, मुझे क्या क्या आदतें हैं, मैं कुछ सेवन करता हूँ ऐसा चीज़ जिससे हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है, राइट? फिर मेरे क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मुझे गैदर करना पड़ता है। अगर आपका एज ऐसे कैटेगरी में जहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो अंडरराइटर सारे चीज़ को एनालाइज करेंगे, एक्सेस करेंगे, इवेलुएट करेंगे, उसके बाद ही मुझे 1 करोड़ का पॉलिसी इशू करेंगे। समझो उन्होंने, अंडरराइटर ने पॉलिसी इशू करी और आने वाले 6 महीने में, यानी मैंने सिर्फ साल का एक प्रीमियम भरा 60,000, और उस 6 महीने में पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है, राइट? तो उसका जितना भी खर्चा है, हॉस्पिटलाइजेशन से लेके उनका ऑपरेशन तक जो भी है, वो खर्चा किसको देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, जिन्होंने इस एप्लीकेंट को 1 करोड़ का इंश्योरेंस दिया। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ या फायदा हुआ, 60,000 का प्रीमियम पे किया और उन्होंने 60 लाख का जो भी हॉस्पिटल का खर्चा है वो निकाला, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस ही है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अंडरराइटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस के एग्जाम्पल के तौर पे, कि उनको क्या काम है और किस हिसाब से उन्हें काम करना है। अंडरराइटर विल रिव्यू द एप्लीकेंट्स इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एज, करंट हेल्थ कंडीशन, पास्ट मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन द अदर फैक्टर एंड अंडरराइटर विल एंटर द डेटा इनटू अंडरराइटिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर विल डिटरमाइन द प्रीमियम अमाउंट एंड टर्म्स दे शुड अप्लाई टू द पॉलिसी। ऑल्सो दिस असेसमेंट डिटरमाइन इफ द पॉलिसी इज टू रिस्की टू मूव फॉरवर्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन को आजकल के तारीख में एक सॉफ्टवेयर्स दिए जाते हैं, मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ और अंडरराइटर अपने ही सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, राइट? तो ये सारे डेटा वो एंटर करते हैं और उन्हें रिजल्ट आ जाता है। हमने यहाँ पे इंश्योरेंस और लोन्स की बात की, ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, इशू करते हैं। नाउ ये लोन अगर हम बैंक से लेंगे तो बैंक भी अंडरराइटर के पास जाएगा और वो हमारे सारे डेटा चेक करके हमें बताएगा कि हम कितने रिस्क में। इसलिए कभी कभी किन कुछ एप्लीकेंट को हाउसिंग फाइनेंस की ज़रूरत होती है, 40 लाख की ज़रूरत होती है, बट उन्हें 35, 32, 30 लाख का अप्रूवल मिलता है, बिकॉज उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स भरे हैं उनके सैलरी को हो या बिजनेस के हो या फिर जो भी मॉर्गेज रखा है उसमें उन्हें उतना ही परसेंटेज या फिर सर्टन अमाउंट मिलेगा, राइट? ये कौन डिसाइड करता है, ये बैंक के अंडरराइटर डिसाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू वेरियस अंडरराइटर इज सब्जेक्ट टू द स्पेसिफिक केस, राइट? हर एक अंडरराइटर का एक अलग अलग स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है और वो स्पेसिफिक केस के हिसाब से वो काम करते हैं। एन अंडरराइटर फॉर अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी विल रिव्यू मेडिकल डिटेल व्हाइल लोन अंडरराइटर विल असेस फैक्टर्स लाइक क्रेडिट हिस्ट्री, राइट? तो हर एक अंडरराइटर सेम तरीके से काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन हो तो उनके अंडरराइटर सिर्फ हेल्थ कंडीशन, मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से वो चेक करेंगे। अगर बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री है जहाँ पे वो लोन देती है तो वो क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे, राइट? अंडरराइटर्स जॉब इज कॉम्प्लेक्स, दे हैव टू डिटरमाइन एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क एंड व्हाट्स एलिजिबल फॉर अप्रूवल बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट। When assessing complicated situation, underwriters may need to conduct research and acquire large number of details. इसीलिए जब भी हम लोन लेते हैं, राइट, तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं, हमारे पैन कार्ड, आधार कार्ड से लेके
स्लिप से लेके हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमारे पास कौन से प्रॉपर्टीज है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, फ्लैट है, रेंटेड है, ओन्ड है, सारे डॉक्यूमेंट पूछे जाते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करने का काम अंडर राइटर करता है। नाउ ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों रिक्वायर्ड है, ताकि पता चले कि जिन्हें हम लोन अप्रूव कर रहे हैं एज एन अंडर राइटर, बैंक को हम गाइडलाइन दे रहे हैं कि यू कैन इशू लोन टू सच एप्लीकेंट और एक्स वाई जेड एप्लीकेंट, उनके बैकग्राउंड क्या है, उनकी डिटेलिंग क्या है। तो उन्हें बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है और वो रिसर्च के बाद ही अप्रूव करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ अंडर राइटर्स, इंश्योरेंस अंडर राइटर, मॉर्गेज अंडर राइटर, लोन अंडर राइटर एंड सिक्योरिटीज अंडर राइटर। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंश्योरेंस अंडर राइटर्स होते हैं। बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मॉर्गेज अंडर राइटर, लोन अंडर राइटर ये दोनों काम करते हैं। मॉर्गेज में हम कोई भी एसेट लेके सामने वाले को लोन देते हैं, इसमें गोल्ड लोन भी आ गया आपका, हाउसिंग लोन भी आ गया, राइट। हाउसिंग लोन क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग वो घर जो है सामने वाला परचेस कर रहा है एप्लीकेंट, वो मॉर्गेज में रखते हैं। जब तक लोन अमाउंट पूरा पेमेंट नहीं होता, तब तक हम वो डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम हमारे एप्लीकेंट लोन होल्डर्स को नहीं देते। सिक्योरिटी अंडर राइटर्स, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस कॉरपोरेट्स में काम होता है, जिन्हें सिक्योरिटीज इश्यूज करना है, सिक्योरिटीज परचेस करना है, तो अंडर राइटर हमें गाइडेंस देते हैं कि आपको कौन से इश्यूज लेने हैं, कौन से सिक्योरिटीज परचेस करना है, चाहे वो स्टॉक्स या फिर शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, ये सारे तरीके के हमें आइडियाज या फिर सजेशंस देते हैं। बैंकर टू एन इश्यू, अ न्यू कंसर्न। हमने अभी तक मर्चेंट बैंकर की बात की, नाउ वी आर टॉकिंग प्योरली अबाउट बैंकर टू एन इश्यू। अब ये बैंकर कौन है, ये अगेन एक इंटरमीडियरी है जो एक इशू के साथ कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए हैं। लेट्स सी, अ शेड्यूल्ड बैंक कैरिंग ऑन ऑल और एनी ऑफ द इशू रिलेटेड एक्टिविटीज। कौन से बैंक, शेड्यूल्ड बैंक कैरिंग ऑन ऑल और एनी ऑफ द, नीचे दिए गए सारे या उनमें से कुछ एक्टिविटीज में भागीदारी होती है, वो काम करते हैं। नंबर वन, एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनीज। किसी भी बैंक में अगर IPOs, FPOs का एप्लीकेशन या एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करने के लिए बोलते हैं एक सर्टन बैंक में, तो उन्हें बैंकर टू एन इशू बोला जाता है। तो प्रॉस्पेक्टस में लिखा जाता है बैंकर टू एन इशू एक्स वाई जेड बैंक, उनका बैंक अकाउंट, IFSC कोड, उनका जो भी डिटेल एक्स्ट्रा है, कौन सा अकाउंट नंबर में वो पैसे डालने हैं, वो सारे डिटेल यहाँ पे लिखा जाता है। सेकंड, एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी। ऐसे बैंक्स जो अलॉटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और कॉल मनी को एक्सेप्ट करते हैं। अलॉटमेंट मनी यानी कितना आप अलॉटमेंट ले रहे हो, एक लॉट एक सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स का होगा और उसका उस लॉट का अमाउंट होगा फॉर एग्जाम्पल 3,000, 5,000, 10,000, डिपेंड्स ऑन कंपनीज। और वो पैसे को अगेन जो भी पैसा है वो बैंक में डालने वाले, बैंक में डिपॉजिट होने वाला, इसलिए एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटमेंट, जो भी अलॉटमेंट है वो एक्सेप्ट करती है बैंक और कॉल मनी को एक्सेप्ट करती है। रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, सेम ऑर्गेनाइजेशन जो एप्लीकेशन मनी को रिसीव करती है, वही एप्लीकेशन मनी अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तभी हम रिफंड करते हैं, रिटर्न करते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट वारंट्स, हम बैंक्स के थ्रू पेमेंट करते हैं डिविडेंड्स का और इंटरेस्ट वारंट्स का। कहीं कहीं पे हम डिविडेंड देते हैं, कहीं कहीं पे हम इंटरेस्ट देते हैं। शेयर्स होंगे तो डिविडेंड जाएगा, बॉन्ड्स होंगे, लोन्स होंगे तो हम उन्हें इंटरेस्ट पे करेंगे। ब्रोकर टू एन इशू, बैंकर टू द इशू इज द कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाई द बैंकर टू एन इशू, सच एज सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन विद मनी फ्रॉम इन्वेस्टर टू अधेयर टू रूल्स, द सर्टिफिकेट हैज़ टू बी ऑब्टेन बाई अ पर्सन फ्रॉम सेबी विच ग्रांट्स रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाई द बैंकर टू एन इशू, द रिक्वायरमेंट्स आर एज़ फॉलोज। बैंकर को हम ब्रोकर टू एन इशू भी बोलते हैं बिकॉज वो हमारे साथ काम करते हैं और ये फॉलोइंग एक्टिविटीज है जो हमें एज अ ब्रोकर वो करवा के काम करवा के देता है। एप्लीकेशन मस्ट बी कम्प्लीट एंड द एप्लीकेंट मस्ट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटीज टू रन दोज एक्टिविटीज एफेक्टिवली।
जो भी बैंकर है, अगर उन्हें हमारे साथ ब्रोकरिंग का काम करना है, मिडिल मैन का या फिर इंटरमीडियरी का काम करना है, राइट, तो उनके पास क्या क्या होना चाहिए? एप्लीकेशन, राइट, जो उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमें प्रोवाइड हो, उनके डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ के साथ हमें डिटेल मिले. डायरेक्टर ऑफ एप्लीकेंट आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द एप्लीकेशन एंड डोंट हैव एनी सिक्योरिटीज मार्केट. ऐसे बैंकर या ब्रोकर के साथ जो भी डायरेक्टर काम करते हैं, उनका इस इश्यूज में कोई भागीदारी नहीं हो, इस प्रोसेस में कोई भागीदारी नहीं हो, और उनके कोई सिक्योरिटीज़ ना हो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में बैंकिंग. फॉर एग्जांपल, एक्सिस बैंक के साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक्सिस बैंक का ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्टन अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, तो हम नहीं उनके साथ काम कर सकते, राइट, क्योंकि मे भी वहाँ पे कोई इनसाइड ट्रेडिंग हो सकता है, इनसाइड बाइंग हो सकता है, राइट, तो वो हमें अवॉइड करना है और हमें थर्ड पार्टी को ये काम देना है. इसलिए ब्रोकर भी नाम दिया उन्हें और बैंकर भी हमने बोला उनको. थर्ड, बैंकर टू एन इशू ऑल्सो हैज़ टू टेक केयर ऑफ सम इंफॉर्मेशन लाइक नंबर ऑफ इशूज विच इज़ कमिंग टू द बैंकर, नंबर ऑफ एप्लीकेशन विथ मनी, डेट्स ऑन विच एप्लीकेशन इज बिन रिसीव्ड एंड डेट ऑन विच रिफंड इज डन टू द इन्वेस्टर. हमें वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, हमें वो सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को सबमिट करना है ऑर्गेनाइजेशन को विथ सीरियल नंबर एंड द ट्रांजेक्शन आईडी, कितना पैसा हमें आया है और कितना पैसा हमने रिफंड किया है एट द एंड ऑफ द इश्यूज. सो दीज वर द सेकेंड यूनिट डिटेल्स. जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है, हम यहाँ पे आपको जो मेल आईडी दिख रहा है वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो, उसके बाद हम लोग इस पे बात कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टॉक ब्रोकिंग. अगेन सेकेंड यूनिट कंटिन्यू हो रहा है. यहाँ पे हमने पॉइंट्स और चैप्टर्स को डिवाइड किया है, इसलिए हमने बीच में थैंक यू नोट डाला है, और उसके हिसाब से हम लोग अगेन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं. स्टॉक ब्रोकिंग इज अ सर्विस विच गिव्स रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द अपॉर्चुनिटी टू बाय एंड सेल इक्विटीज. तो स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस क्या होता है? एक रिटेल है, एक इंस्टीट्यूशन है इन्वेस्टर्स के लिए, जो अपॉर्चुनिटी देता है इस इन्वेस्टमेंट को या शेयर्स को, सिक्योरिटीज को बाय करने का और मार्केट में सेल करने का. स्टॉक ब्रोकर्स विल ट्रेड शेयर्स बोथ ऑन एक्सचेंज एंड ओवर द काउंटर डिपेंडेंट ऑन वेयर दे कैन फाइंड द बेस्ट प्राइजेस एंड लिक्विडिटी. स्टॉक एक्सचेंज प्लेस स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन हु कैन ट्रेड शेयर्स डायरेक्टली ऑन देयर बुक्स, विच इज़ वाई मोस्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होपिंग टू ट्रेड शेयर्स विल डू सो वाया स्टॉक ब्रेकर. जिन्हें भी, किसी भी इंडिविजुअल को अगर शेयर मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट हो या प्राइमरी मार्केट हो, उन्हें अगर शेयर्स परचेज करने हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर बनना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का को पार्टनर बनना है, राइट, या पार्ट पार्टनर बनना है एज पर द डेफिनेशन ऑफ शेयर्स एंड शेयर होल्डिंग्स, राइट, तो उन्हें एक ब्रोकरेज या ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है. स्टॉक ब्रोकर बोला जाता है उन्हें. और ये स्टॉक ब्रोकिंग का काम क्या है? मार्केट का जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपके बिहाफ में एग्जीक्यूट करे और आपको शेयर्स परचेस करा के दे. कुछ एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा. नंबर 1, शेयर खान ट्रेडिंग, कोटक सिक्योरिटीज, राइट, ये दो नाम है जिनसे आपको आइडिया मिलेगा कि इन स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं. एक डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, और वहाँ पे हमारे जो भी पैसे हैं वो बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं. उसके बाद हम उनके कुछ वेबसाइट में लॉग इन करके या फिर उनके एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन से हम लॉग इन करते हैं, और लॉग इन करने के बाद हमें हमें जो भी एक्स वाई जेड शेयर परचेस करना है हमारे फंडिंग या फाइनेंस के हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम वो एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. दिस इज स्टॉक ब्रोकिंग. सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर इज प्राइम एंड सब ब्रोकर इज देयर असिस्टेंट. अ सब ब्रोकर इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय अ स्टॉक ब्रोकर. कौन अपॉइंट करता है? स्टॉक ब्रोकर, एंड एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अ ट्रेडिंग मेंबर. एक ट्रेडिंग मेंबर के बिहाफ में वो काम करता है एज एन एजेंट, बट ही इज नॉट अ ट्रेडिंग मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग मेंबर नहीं है. जिस दिन आपका डीमैट अकाउंट रेडी हो जाता है, आप उस दिन ट्रेडिंग मेंबर बन जाते हो स्टॉक एक्सचेंज के. ट्रेडिंग मेंबर कौन? वो इंसान जो मार्केट में या तो इंट्राडे करेंगे, राइट,
या फिर रेगुलर बाइंग सेलिंग करेंगे, राइट। इंट्राडे में सुबह परचेस किया, मार्केट बंद होने से पहले हमें वो सेल करना है। नॉर्मल ट्रेडिंग क्या होती है, हमने आज परचेस किया, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया, हफ्ते भर 15 दिन 1 महीना 3 महीना, लोगों के अपने अपने प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, कुछ कुछ लोग 10-10-15 साल भी उन्हें होल्ड करके रखता है। सबके अलग अलग टारगेट्स है, उस हिसाब से वो फुलफिल होने चाहिए, इस वजह से हम क्या करते हैं, उन्हें होल्ड करके रखता है। इन्हें बोलते हैं ट्रेडिंग मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सब ब्रोकर्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी एंड द स्टॉक ब्रोकर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फैक्ट ऑफ कमीशंस ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन। तो जितने भी एक्ट है, जितने भी एक्टिविटीज है, जितने भी काम है, जो भी सब ब्रोकर करेंगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगा, स्टॉक ब्रोकर के पास होगा, राइट। तो स्टॉक ब्रोकर इज द सीनियर पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंडर ये सब ब्रोकर काम करते हैं, और जो भी सब ब्रोकर के एक्टिविटीज़ है, वो सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर के हाथ में होते हैं। सेबी हैज़ मेड इट कंपल्सरी दैट नो ट्रेडिंग मेंबर शैल डील विद अ पर्सन हु इज एक्टिंग एज अ सब ब्रोकर अनलेस ही इज रजिस्टर्ड विद सेबी। सेबी ने एकदम क्लियर कट इंफॉर्मेशन एडवाइजरी और नोटिस दिया है कि आप ऐसे कोई सब ब्रोकर के साथ ट्रेड ना करें जो रजिस्टर्ड नहीं है सेबी के साथ, राइट। अब ये नोटिस इसके लिए है, ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए भी है और ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर्स के लिए भी है जो इन सबको हैंडल करेंगे उनके साथ काम करते हुए। विथ सेबी एंड ऑल्सो द ट्रेडिंग मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल दैट हिज क्लाइंट्स आर नॉट एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ सब ब्रोकर अनलेस दे आर रजिस्टर्ड विद सेबी एज अ सब ब्रोकर। तो सब ब्रोकर्स ब्रोकर्स को एडवाइजरी दी गई है कि उनके जितने भी ट्रेडिंग मेंबर हैं वो ऐसे सब ब्रोकर्स के साथ ना हो या फिर उनके साथ जुड़े नहीं हो जो एक्ट कर रहा है कि हम सब ब्रोकर रजिस्टर्ड है जबकि वो नहीं है। तो ब्रोकर का काम है, स्टॉक ब्रोकर का काम है ये चेक करना, वेरीफाई करना और उनको अप्रूव करके देना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग मेंबर को वो सब ब्रोकर के साथ उनका कॉन्टैक्ट शेयर करना और उन्हें कहना कि आपका जो भी एक्स वाई जेड बाइंग एंड सेलिंग या फिर जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज रिलेटेड डाउट्स है आप इनसे सब ब्रोकर्स के साथ कर सकते हो। फॉरेन ब्रोकर, अ फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर आल्सो नोन एज एफएक्स ब्रोकर और अ फॉरेक्स ब्रोकर बाइज एंड सेल्स करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट वाइल चार्जिंग अ कमीशन फॉर द सर्विसेज। अब ये फॉरेन ब्रोकर किसके लिए आते हैं, हम फॉरेन मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तभी जाके हम फॉरेन ब्रोकर के साथ डील करते हैं। समझिए मुझे, एप्पल कंपनी में इंडिया में बैठे बैठे शेयर्स खरीदना है या फिर इन्वेस्ट करना है तो मुझे वहाँ के एक फॉरेन ब्रोकर के साथ एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उनके साथ लीगली जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पे पैसे डॉलर्स में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, वो ट्रांसफ़र करने के बाद ही मैं ये काम कर सकता, इसलिए मुझे फॉरेन ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रोकर्स अलॉन्ग विद द बैंक्स हैव बीन द ट्रेडिशनल मार्केट मेकर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर एंड टर्न अ प्रॉफिट थ्रू द बिड आस्क स्प्रेड ऑन द एक्सचेंज रेट इन एडिशन टू और इन लियू ऑफ कमीशन और फी। अब ये ब्रोकर्स जो है बैंक्स के साथ जुड़े रहते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी फाइनेंस जो भी ट्रांजेक्शन है वो बैंक के साथ होती है। कोई इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है बट उनके पास हार्ड कैश है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स बड़े बड़े जिनके पास 10,000 है 50,000 है बट हार्ड कैश में, अब वो कैश डीमैट अकाउंट में या फिर आपके ब्रोकिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे जाएंगे, थ्रू बैंक्स होंगे। तो ब्रोकरेज जो भी होते हैं, ब्रोकर जो भी होते हैं, वो किसी न किसी बैंक के साथ टाई अप करके रखते हैं और आपको बैंक अकाउंट प्लस डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं और वो कहते हैं कि आपका भी ट्रेडिंग शुरू हो गया। अभी ये एक्टिविटी करने के लिए उन्हें इन रिटर्न क्या मिलता है, एक कमीशन मिलता है। जब आप बाय करते हो तो एक सर्टन कमीशन होता है, जब आप सेल करते हो तब एक सर्टन कमीशन होता है, राइट। उसी वजह से उन्हें उनका जो भी अर्निंग्स है जनरेट होता है। ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग, क्लियरिंग मेंबर मींस अ मेंबर ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हु क्लियर्स एंड सेटल डील थ्रू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। द क्लियरिंग मेंबर क्लियर्स एंड सेटल्स डील्स for a segment in a manner and mode and subject to search terms and conditions and procedures prescribed for them, right? So trading and clearing में clearing ये एक ऐसा part है जहाँ पे मैंने एक certain time पे trading execute की, वो execute जाता है clearing house में। इसीलिए
T+2 का एक टाइमिंग और फिर पीरियड मेंटेन किया है। अगर आपको शेयर होल्डिंग करना है तो ट्रेडिंग प्लस 2 डेज आपको टाइम देना पड़ता है। दिस इज सेम लाइक डिपॉजिटिंग एंड क्लियरिंग द चेक इन द बैंक। आपने मंडे को चेक डिपॉजिट किया है तो ट्यूसडे वेनसडे और 2 दिन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस हिसाब से वेनसडे थर्सडे तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सेम हैपेंस इन द क्लियरिंग हाउस, राइट। फर्दर अ क्लियरिंग मेंबर में क्लियर एंड सेटल डील्स एदर ऑन देयर ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। बेसिकली ये ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट ही होता है। वी क्लाइंट के नॉट बी अ क्लियरिंग मेंबर। हम इतने खुद के क्लियरिंग नहीं कर सकते, राइट। इसलिए एक क्लियरिंग हाउस होता है, वो अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स के बिहाफ में वो सेटल करते हैं ट्रेड को। इन द कैपिटल मार्केट सेगमेंट ऑल ट्रेडिंग मेंबर्स ऑफ द एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ क्लियरिंग मेंबर ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। नाउ यू नीड नॉट टू अप्लाई फॉर ईच एंड एवरी मेंबरशिप। आपने एक बार डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया, आप जब डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें 4-5 फॉर्म्स ऑलरेडी बने होते हैं जिन्हें आपको साइन करना है, आपके बेसिक KYC डिटेल्स भरने हैं और उसके बाद आप ट्रेडिंग मेंबर बन जाते हो, आप क्लियरिंग मेंबर बन जाते हो, आप ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर बन जाते हो, आप सारे जो भी कनेक्शंस चैनल्स जुड़े हुए हैं उन सारी चीज़ों के आप मेंबर बन जाते हो बाय डिफॉल्ट। स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग। अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद अ वैल्यू दैट इज रिलायंट अपॉन और डिराइव फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट दैट इज बेंचमार्क, राइट। तो डेरिवेटिव मार्केट और डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो इवैल्यूएट करता है, जो वैल्यू को डिराइव करता है फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। एक अंडरलाइंग एसेट को हम लेते हैं और उसका एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि इतने पॉइंट्स है, मतलब इतने वैल्यूज, मॉनिटरी वैल्यूज अगर 300 पॉइंट है तो यानी उस पर्टिकुलर एसेट का इतना वैल्यू, राइट। तो डेरिवेटिव इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज and the derivative derives its price from fluctuation in the underlying asset. अगर एक underlying asset का value fluctuate होता है तो वो derivative security का भी price fluctuate होता है। जैसे repo rate change हो गया तो loan के rates change हो जाते हैं, reverse repo change हो गया तो banking में बहुत सारे services के rates change हो जाते हैं। वैसे the most common underlying asset for derivatives are stocks, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट इंडेक्सेस। तो बहुत सारे कॉमन अंडरलाइंग डेरिवेटिव्स क्या क्या है? स्टॉक्स जिन्हें हम शेयर्स भी बोलते हैं, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स एंड मार्केट इंडेक्सेस। दीज एसेट्स आर कॉमनली परचेस्ड थ्रू ब्रोकरेज। ये हम किन के थ्रू परचेज करते हैं? ब्रोकरेज के थ्रू। सब ब्रोकरेज के थ्रू हम ये सारे डेरिवेटिव्स को परचेज करते हैं। अगेन इन अ सिंपल नटशेल इन अ डायग्रामेटिक और पिक्चर में, अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद अ वैल्यू दैट इज रिलायंट अपॉन और डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स। यहाँ पे इजीली हमें पता चलेगा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स, मार्केट इंडेक्सेस। अब आप बोलोगे इसमें इंटरेस्ट कैसे आ गया? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंपनीज क्या करते हैं, अपने लोन्स को सेल आउट करते हैं। अगर मैंने 10,000 करोड़ का लोन लिया है और आपको प्रॉफिट या सॉरी आपको अगर पार्टनर बनना है तो इस लोन को क्लियर करो हमारे बिहाफ में एंड बिकम आर पार्टनर। तो वो 10,000 करोड़ XYZ अमाउंट होगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, जितने का भी लोन होगा। इसमें दो चीज़ है, इंटरेस्ट कोई लोग सेल करता है, कोई इंटरेस्ट परचेज भी करता है। सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर एन इशुअर डिजाइन्स अ मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय मर्जिंग और पूलिंग वेरियस फाइनेंशियल एसेट इनटू वन ग्रुप। सिक्योरिटाइजेशन मतलब हम लोग अभी क्या करने वाले, एक इशू डिजाइन करने वाले, राइट। कौन सा होगा ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा जहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स को हम मर्ज करेंगे, पूल करेंगे और उसे एक ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे। द इशूअर देन सेल्स दिस ग्रुप ऑफ रीपैकेज्ड एसेट टू इन्वेस्टर। सिक्योरिटाइजेशन ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर्स एंड फ्रीज अप कैपिटल
for originator, both of which promote liquidity in the marketplace, right? For this, the best example is mutual fund. Mutual fund में क्या होता है, हम shares में भी issue करते हैं, preference shares में भी issue करते हैं, bonds में भी issue करते हैं, loans में भी, gold में भी issue करते हैं, right? ये सारे investment को हम बोलते हैं portfolio. तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे assets को हमने क्या किया, gather किया और हमने वहाँ पे पैसा invest किया, right? In theory, in any financial asset can be securitized, that is turned into a tradable, fungible item of monetary value. In essence, this is what all securities are. हम किसी भी financial asset को securitize कर सकते हैं. जो organizations issue करना चाहते हैं, जिनके behalf में हम पैसा invest करते हैं, और अगर हमें वो returns ना आए, तो वो assets को हम रिटर्न ले सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज. इसलिए जब कंपनी लिक्विड होती है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन लोन देते हैं हमें, बॉन्ड्स के थ्रू कुछ इन्वेस्टर्स हमें लोन देते हैं, सबसे पहले हम लोन क्लियर करते हैं, एंड इन केस पैसा बचा तो वो जो भी शेयर होल्डर्स के पास से हमने शेयर होल्डिंग्स ली है या उन्हें पार्टनर बनाया, उन्हें रिटर्न में हम एसेट्स देते हैं, राइट? या तो वो कैश में होगा या फिर इन एसेट्स फॉर्म. Securitization versus factoring. Securitization, however, guarantees that a company will receive all the money owed by its customer, even if these customers fail to pay. As a matter of fact, a company's receivable can be transformed into short-term securities, which are then sold to investor for less than their face value to make a return on the investment possible. सिक्योरिटाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमारे कस्टमर्स जो है, ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ मिडिलमैन है, उनके कस्टमर जो है उनके फंडिंग्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं. जैसे मैंने बोला इंटरेस्ट का, कि हमने कुछ सिक्योरिटीज परचेस किया है बट उनका रिटर्न्स नहीं आ रहा है, हमने कुछ लोन परचेस किया है, लोन लिया है बट उनका इंटरेस्ट हमें पे करने नहीं आ रहा, तो हम वो क्या करेंगे, वो एसेट को, वो हमारे जो क्या बोलते हैं लाइबिलिटीज़ हैं, उनको कन्वर्ट करेंगे हम किसी के लिए एसेट में, और उन्हें हम सेल करेंगे और वो सिक्योरिटाइज करेंगे, और हम कस्टमर्स को बेचेंगे और उन्हें हमारे इन्वेस्टर्स बना लेंगे, राइट? सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अ कंपनीज रिसीवेबल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी. कंपनी के जितने भी रिसीवेबल्स हैं, जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम्स हैं, शॉर्ट टर्म इनकम्स, उन्हें हम सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिन्हें हम अगेन सेल कर सकते हैं, विच आर देन सोल्ड टू इन्वेस्टर फॉर लेस देन देयर फेस वैल्यू, उसके फेस वैल्यू के लेस देन वैल्यू में हम सेल कर सकते हैं, इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉसिबल, जो भी रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट. द बिजनेस गेट्स इट्स मनी स्ट्रेट अवे, एंड व्हेन द कस्टमर फाइनली पे द इन्वेस्टर गेट देयर ओन मनी बैक, राइट? तो कस्टमर क्या है, स्ट्रेट अवे उन्हें बिजनेस को पैसा मिलता है. अगर हमारे कस्टमर ने पूरा पे किया, तो इन्वेस्टमेंट का पूरा पैसा उन्हें रिटर्न किया जाता है. इफ अमंग द आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स अ पार्ट ऑफ डेट इज नॉट कलेक्टेड, दिस रिस्क इज अज्यूम्ड बाय द इन्वेस्टर, नॉट द कंपनी व्हिच इश्यूड द सिक्योरिटीज. कुछ इन्वेस्टर है ऐसे एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे पूरा पेमेंट करने के बाद उन्हें एसेट मिलता है, लेकिन अगर उन्होंने पूरा पेमेंट नहीं किया तो कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. Only the investor will be responsible for all the losses and risk. Therefore, securitization is better suited to large companies which process large amount of receivables. बहुत बड़े बड़े organization, basically industrialists, जैसे हमारे Tata Group of Industries है, ऐसे लोगों के लिए securitization is very easy and very riskless. Factoring, on the other hand, that a company referred to as the borrower sells to its receivable to a third party factor, usually at a significant discount. The factor pays up to 90% of the receivables to the borrower and is thereafter responsible for collecting the debt, thus assuming the risk of non-payment. The older the receivable, the more likely they are to remain unpaid. Therefore, the higher the discount considered by the borrower. Factoring simply, there is a party X and there is party B. Party X and party B comes into contract. X is selling a product, B is buying a product. Lekin B ne credit note diya,
और उन्होंने कहा हम 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे। एक्स इज इन फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल ट्रबल, फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्स ने क्या किया, वाई के पास गया। नाउ वाई इज अ फैक्टर। वाई का काम क्या है, क्रेडिट नोट लेना जो बी से मिला है और उस सर्टन अमाउंट के परसेंटेज को देना। अब यहाँ पे लिखा है फैक्टर पेज अप टू 90%, दैट इज अप टू 90%, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 90% से कम भी हो सकता है। इन जनरल 90% दिया जाता है, बट दैट देना इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्यू असेसमेंट, लाइक कितना रिस्क है, रीपेमेंट होगा नहीं होगा बी से, बी का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स को, कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं। सो एक्स इज सबमिटिंग द क्रेडिट नोट टू वाई और वाई से वो पैसे लेते हैं, राइट। और जो भी बाकी का पेमेंट है आफ्टर 6 मंथ्स, बी हैज टू पे टू वाई। दिस इज द बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल और दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग। पास थ्रू सर्टिफिकेट, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स आर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। These securities are often put together by the Government National Mortgage Association, गिनी में। A pass-through certificate means that the holder is entitled to any income earned from the securitized finance product. Mortgage-backed certificates are the most common type of pass-through certificate. So pass-through certificate is nothing but an 100% fixed income securities, जहाँ पे आपको loss नहीं होगा, आपको आपके जो भी investment amount है वो return मिलेंगे। इसको हैंडल करने वाले गवर्नमेंट नेशनल मॉर्गेज इंस्टीट्यूशन, मॉर्गेज एसोसिएशन है, और ये पास थ्रू सर्टिफिकेट का एक कॉमन टाइप जो दिया है यहाँ पे, मॉर्गेज बैक सर्टिफिकेट है, जहाँ पे आप सर्टन मॉर्गेज में इन्वेस्टमेंट करते हो और वो मॉर्गेज प्रोसेस होने के बाद आपको पास थ्रू सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहाँ जो भी इन्वेस्ट आप मॉर्गेज लोन में करते हो वहाँ पे आपको वो रीपेमेंट होने के बाद रिटर्न्स दिया जाता है। सिक्योरिटाइजेशन मैकेनिज्म, securitization is careful structured process by which a pool of loan and other receivables are packed and sold in the form of asset backed securities to the investor to raise the required funds from them. Securitize simply itna hai, agar koi bhi amount mujhe 6 mahine 1 saal baad aane wala hai, un sare amounts ko main ek package banata hu aur main ye kehta hu ki mere aane wale saal mein mujhe 10 lakh rupaye aane wale hai, लेकिन वो 10 लाख रुपए मुझे अभी ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ इन्वेस्टर्स को अप्रोच करूँगा और उन्हें कहूँगा कि यू इन्वेस्ट नाउ एंड वो पैसा आने के बाद यू टेक द अमाउंट बैक, दिस इज सिक्योरिटाइजेशन। लेकिन ये एक एक रिसीवेबल को नहीं काउंट करेंगे, पूरे साल भर के रिसीवेबल्स या सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के रिसीवेबल्स को लेंगे और उन्हें एक पैकेज बनाएंगे और उस हिसाब से वो सेल करेंगे। थ्रू दिस प्रोसेस रिलेटिवली इलिक्विड एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिक्योरिटीज। जो भी इलिक्विड है, जो अभी मेरे पास नहीं है, उन्हें हम सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करते हैं और वो सिक्योरिटीज अगेन कन्वर्ट होता है लिक्विडिटी में। सो डेवलपर ओरिजिनेट करते हैं हमें क्या चाहिए, डिपॉजिटर होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं, इश्यूअर होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, सीनियर ट्रांस, मेजन ट्रांस, इश्यूअर, राइट। तो इन तरीकों से ये मैकेनिज्म वर्क करता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल इज अ लीगल एंटिटी दैट इज फॉर्म्ड फॉर अ वेल डिफाइंड सोल एंड नैरो पर्पस। ये एक ऐसे व्हीकल है, एक चैनल है, अगेन ये मीडियम है जो हमें एक सर्टन अमाउंट को मार्केट से लिक्विडिटी में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। इट इज़ जनरली अ कंपनी फॉर्म टू फुलफिल वन और ग्रुप ऑफ नैरो ऑब्जेक्टिव बाय इट्स प्रमोटर्स। जिनका एक नैरो ऑब्जेक्टिव है वो ग्रुप को बनाते हैं और इनमें काम करने वाले उनको हम कहते हैं प्रमोटर्स। SPVs आर जनरली फॉर्म टू आइसोलेट अ कंपनीज एसेट और एक्टिविटीज। कंपनीज के एसेट और एक्टिविटीज़ को आइसोलेट करते हैं, साइड में करते हैं एक अलग तरीके से, राइट। एक्टिविटीज़ और एसेट्स आर डिस्टेंस्ड इनटू द न्यू एंटिटी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के एक्टिविटीज़ को हम एक जगह में असेंबल या गैदर या आइसोलेट करते हैं, उसको नया नाम देते हैं, राइट। दैट इज़ द SPV एंड सो इन्वेस्टर्स आर लेंडर्स फील मोर कम्फर्टेबल। मतलब एक XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक XYZ प्रोसेस है, काम है, लेकिन उस काम के लिए फंडिंग चाहिए, तो वो XYZ कंपनी क्या करेगी, PQR ऑर्गेनाइजेशन या फिर सब एक सब्सिडरी कंपनी बनाएगी और उसमें फंडिंग करेगी, ताकि XYZ कंपनी अगर लॉस में जाए तो उसका असर
इस प्रोसेस में ना हो, इसलिए वो सब्सिडरी कंपनी बनाती है और उसी के लिए हम उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्पेशल स्पेशल पर्पस व्हीकल, कि इस स्पेशल काम के लिए हमने ये सब्सिडरी या फिर एक अलग कंपनी बनाई है। द एसपीवीज एंड द स्पॉन्सरिंग कंपनी समटाइम दैट पैरेंट कंपनी आर इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी। तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है और जो पैरेंट कंपनी है मेन कंपनी, वो दोनों इंश्योर होता है इस प्रोसेस में ताकि बैंक्रप्ट ना हो और जो भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनके पैसे उन्हें रिटर्न मिले। सिक्योरिटाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है? अलाउ इन्वेस्टर टू हैव मोर डायरेक्ट लीगल क्लेम ऑन लोन एंड पोर्टफोलियो ऑफ रिसीवेबल। ऑल्सो ड्यू टू दिस इंटरमीडिएशन दैट इज लेसन द इंटरमीडियरीज द कॉस्ट पेड बाय बोरोवर कैन इफेक्टिवली बी डिमिनिश्ड। बैंक्स कैन इम्प्रूव देयर प्रॉफिटेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग लोन्स ओरिजिनेटर्स ओरिजिनेशन एंड फीस। सो सिक्योरिटाइजेशन का सबसे पहला एडवांटेज क्या है? अलाउज इन्वेस्टर टू हैव मोर डायरेक्ट लीगल क्लेम, डायरेक्टली लीगली क्लेम कर सकता है बिकॉज ये प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, राइट। इन्वेस्टर्स कैन इजिली एक्सेस सिक्योरिटीज मैचिंग देयर रिस्क रिटर्न मैच्योरिटी नीड्स। तो जितना भी आपको रिस्क है, आपकी रिटर्न्स है, आपको कभी मैच्योरिटी चाहिए, उस हिसाब से आप एक्सेस कर सकते हो सिक्योरिटीज को और उस हिसाब से आप वो सिक्योरिटाइजेशन परचेज कर सकते हो या वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। Securitization also allows for the creation of tradable securities with much liquidity and result in more efficient financial market. एक बहुत अच्छे efficient financial market को वो generate करती है जहाँ पर liquidity भी अच्छा है और security tradable भी होती है। New guidelines on securitization. When undertaken by banks, financial institutions and non-banking financial institutions or companies, securitization in India is regulated by the regulated and governed by the Reserve Bank of India, RBI, under the provision of the 2006 and 2012 guidelines on securitization of standard assets, that is RBI guidelines. For standard assets and by the securitization and reconstruction financial asset and enforcement of Securities Interest Act, that is SARFAESI Act 2002, for stressed financial assets. तो ऐसे स्ट्रेस फाइनेंशियल एसेट्स को अंडरटेक करने के लिए जो भी सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस होता है, काम होता है, उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पे जो भी कंप्लेंट्स है, अगर कुछ एक्स वाई जेड कंप्लेंट्स हो जाती है किसी के साथ, किसी के इन्वेस्टमेंट में उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलता या नॉट प्रॉफिट बेसिकली, बट जो गारंटीड रिटर्न्स उन्होंने दिया होगा, कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुए होंगे या उनके साथ जस्टिस नहीं मिला होगा, तो ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए या फिर उन्हें के कंप्लेंट रिजॉल्व करने के लिए एक गाइडलाइन के तौर में आरबीआई कुछ सर्टन नॉर्म्स को इशू करती है। व्हाइल द टर्म सिक्योरिटाइजेशन इज डिफाइंड अंडर ईच ऑफ दिस रेगुलेटरी रिजिम, बोथ रिजिम एनविसेज सिक्योरिटाइजेशन एज अ रिंज फेंस एंड बैंकरप्सी remote through sale of financial assets in return for immediate cash payment. So, the term securitization defined under each of the regulatory regime. Har ek regulatory regime mein define kiya jata hai. Both regime envisage securitization as a ring fenced and bankruptcy remote through sale of financial assets. Matlab aisa asset hai jahan pe bankruptcy nahi hoga, राइट, और फाइनेंशियल असेट है जहाँ पे रिटर्न्स भी इमीडिएट कैश में मिलेंगे आपको। अगर आपको आज सेल करना है तो आज आप सेल करोगे और आपको T+2 के तौर पे 2-3 दिन में आपका अमाउंट आपके अकाउंट में मिलेगा। तो उसका डेफिनेशन क्लियर होता है, उनका प्रोसेस क्लियर होता है और बैंकरप्सी के टर्म्स एंड जो भी कंडीशंस है वो भी क्लियर करवाए जाते हैं। अंडर द ट्रू सेल ऑफ मैकेनिज्म द एसेट मूव फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द ओरिजिनेटर टू द बैलेंस शीट ऑफ अ स्पेशल पर्पस व्हीकल for asset reconstruction company are pooled, subdivided, repackaged as a tradable security backed by such pooled assets and sold to investor either as pass through certificates or security receipts which represent claims on incoming cash flow from such pooled asset. आने वाले जो भी incoming cash flows है वो अगर हम लोग आज purchase करते हैं तो आने वाले amount को हमें certificates मिलेंगे। जैसे 3 साल में कुछ certain amount कंपनी को मिलने वाले, दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल को मिलने वाले, राइट।
और वो मैंने आज उनको प्रोवाइड करके दिया, तो वो मुझे पास थ्रू सर्टिफिकेट देंगे या फिर सिक्योरिटी रिसीट्स देंगे और वो हमें रिप्रेजेंट करना है जब वो पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड आता है। सिंपली फिक्स डिपॉजिट जब हम लोग करते हैं बैंक में, जैसे उसका रिसिप्ट मिलता है, जैसे उनके सर्टिफिकेट होते हैं, वैसे ही पास थ्रू सर्टिफिकेट होता है। बट यहाँ पे उनके टर्म्स नॉर्म्स और उनका डेफिनेशन अलग है। फिक्स डिपॉजिट में उसके टर्म्स नॉर्म्स और उसके डेफिनेशन अलग है।